आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम इटली के डिक्टेटर बेनिटो मसोलिनी का रिव्यू कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी का रिव्यू कर रही है, और ये उसका पार्ट टू यानी कि भाग दो है। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, हमने काफी चीजें उसमें देखी थी। ठीक है, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज से अंडरस्कोर एजुकेशन कनेक्ट पे आप पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पूछना आप यहाँ पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हम कहानी वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहाँ से हमने इसको पहले छोड़ा था। मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से मसोलिनी बचपन में थे, बचपन में कितने ज़्यादा एडमेंट थे, बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिनड थे, और इनके जो पिताजी थे वो खुद भी पॉलिटिशियन थे और इनको हर जगह ले जाते थे, और वहीं से इनकी ग्रूमिंग की शुरुआत हुई, मतलब इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। काफ़ी इन्फ्लुएंस भी थे ये, इनकी मम्मी ने इन पे काफ़ी काम किया था, ये बोल नहीं पाते थे, इनको बहुत ही अच्छा ओरेटर बनाया, इनकी झिझक को निकाला, बुली होते थे बचपन में। उसके बाद स्विट्जरलैंड भागे, वहाँ पे लेबर यूनियन के साथ मिलके इन्होंने कुछ रेवोल्यूशंस किए, वहाँ पे इनको अरेस्ट भी किया गया, फिर वर्ल्ड वॉर वन में भी इन्होंने भाग लिया। उसके बाद इटली में क्योस हुआ, एक तरह से सिविल वॉर छिड़ गया, और वहाँ से इन्होंने फासिस्ट पार्टी बनाई। ठीक है, फासिस्ट पार्टी क्या होती है, फासिज्म क्या होता है, फासिज्म एक्सट्रीम नेशनलिज्म होता है, टोटलिटेरियन बिल्कुल वो सिस्टम होता है, टोटलिटेरियन मतलब डिक्टेटरशिप, जहां सिर्फ वन पार्टी रूल करेगी, डिक्टेटरशिप होगी, वॉयलेंस का प्रयोग होगा, हर चीज एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देना, और हर जो भी चीज सरकार के अगेंस्ट हो, उस वन पार्टी के अगेंस्ट हो, उसको क्रश कर देना। ठीक है, तो ये चीजें हमने सारी देखी थी। 1922 में बहुत ज्यादा इटली में एकदम बहुत ही अफरा तफरी मची होती है, और फाइनली जो वहां के राजा होते हैं इटली के, कौन होते हैं भैया राजा, विक्टर इमैनुअल तीन, है ना, उन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि मसोलिनी ने ये उनको कन्विंस कर लिया था कि इटली में जो इतनी ज्यादा अफरा तफरी है ये सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूं, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। तो फाइनली वहां से लीडरशिप उनको मिली और उधर से डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि मसोलिनी एक बहुत ही जबरदस्त ओरेटर थे, ठीक है, और ओरेटरी स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी ही। इनका ये मानना था कि भैया कभी भी संत रेवोल्यूशन नहीं करते, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इन्होंने मरवाना शुरू कर दिया जैसे ही पावर में आए। फासिस्ट पार्टी जो थी वो बहुत ही खतरनाक थी, और जबरदस्त तरीके से उन्होंने चीजों को खत्म करना शुरू कर दिया। इवन उन्होंने एसर्बो लॉ भी पास कर दिया, जिसमें मतलब ये बोला गया कि उन्हीं की फासिस्ट पार्टी है, और सिर्फ एक सिंगल नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है भैया, कोई भी मल्टी पार्टी कोई और नहीं है, सिर्फ मसोलिनी है, वही लीडर वही सरकार। तो ये सारे उन्होंने इलेक्शन मतलब जो भी 6 अप्रैल 1924 में इलेक्शन होने वाले थे उन्होंने सब जगह अप्लाई कर दिया। अब देखिए भैया, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। शुरू में क्या हुआ था, जो फासिस्ट थे, जो भी मतलब इस विचारधारा को मानने वाले थे, ठीक है, उसमें क्या था, बहुत ही माइनॉरिटी में थे, कम थे वो, लेकिन जैसे जैसे फासिस्ट आगे बढ़ा, और स्पेशली जब आपके मसोलिनी पावर में आए, एकदम से इंक्रीज हुआ इनमें। डर की वजह से भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि बहुत लोगों को यह भी पता था कि मसोलिनी सबको मरवा देंगे, ठीक है, कुछ भी वो छोड़ने नहीं वाले, ठीक है, तो सबको जब उन्होंने ये चीज करना, एग्जीक्यूशन या मास एग्जीक्यूशन करने शुरू हुए, बहुत ही चालाकी से करने उन्होंने स्टार्ट किए, तब ये नंबर और बढ़ गए। ठीक है, ये सारी चीजें थी, और जब उनको सारी चीजें मिल गई, इटली की सत्ता मिल गई, तो उन्होंने अपने आप को सेकेंड ड्यूस घोषित कर दिया, जिसको कहते हैं सुप्रीम लीडर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मसोलिनी ने कुछ नहीं किया। इटालियंस जो थे बहुत ही अच्छे वॉर सोल्जर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। इटली जब हिटलर 1933 में मतलब हिटलर की जब नेजी पार्टी आई थी जर्मनी में, तो हिटलर ने मसोलिनी से हाथ मिलाया था, हमने देखा था ये, और ये हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हिटलर के साथ किस तरह से रिलेशन थे मसोलिनी के। तो मसोलिनी ये चाहता था, जब हिटलर ने प्लान बताया मसोलिनी को, तो वो ये चाहता था कि इस वॉर को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि उनकी मिलिट्री जो थी मसोलिनी की वो रेडी नहीं थी, इटालियन मिलिट्री रेडी नहीं थी, और इटालियंस बहुत अच्छे सोल्जर नहीं थे, वो हमेशा से एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे रहे हैं, ठीक है, और मतलब इकोनॉमिकली काफी अच्छी तरह से चीजों को फ्रेम करते थे। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि मसोलिनी ने काफी कुछ किया भी, कंट्री जो थी उस समय थ्राइव कर रही थी, अच्छी खासी बढ़ रही थी, उन्होंने काफी लैंड रिफॉर्म्स लागू किए,
बैटल फॉर वीट एक तरह से एक एक उनका इनिशिएशन था। उसमें क्या था कि छोटे छोटे लैंड अनयूज्ड लैंड देते थे, उस पर कल्टिवेशन होता था, वीट का कल्टिवेशन होता था। प्राइवेटाइजेशन उन्होंने स्टार्ट की, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद एग्रीकल्चर पे काफी फोकस किया। और तो ये सारी चीजें क्या हुआ था कि इस इन सब चीजों ने ना इटली को आगे बढ़ाया। और ये सब सारी जब चीजें उन्होंने की तो भैया वर्ल्ड लीडर्स इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए। मतलब हर कोई, हिटलर तो अट्रैक्ट हुआ ही था, इवन गांधी जी भी काफी अट्रैक्ट हुए थे इनकी सारी चीजों को देख के, और लगा था कि भैया बंदे में दम तो है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ही इंफीरियर इंसान था मुसोलिनी, ठीक है, और ये बहुत ही जल्द सामने आने वाला था सबके, ठीक है। और बाद में तो मुसोलिनी ने बिल्कुल ही इटली को पुलिस स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जब इन्होंने मास एग्जीक्यूशन किए, इन्होंने सारी चीजें की, एम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस किया, ठीक है, हर एक चीज की। और लेकिन ये उतने पॉपुलर नहीं हो पाए क्योंकि अनरेस्ट जो था वो लोगों में बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद 1929 में तो पूरा कबाड़ा ही हो गया जब ग्रेट डिप्रेशन आया था जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था, ठीक है। तो 1925 में पूरी तरह से लीडर बन गया मुसोलिनी, सेकेंड ड्यूस अपने आप को बोलने लगा और एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क शुरू कर दिए, अनएम्प्लॉयमेंट काफी इकोनॉमिकली डेवलप किया और सब बड़े खुश थे। लेकिन सबको पता था कि दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, ये चलने वाला नहीं है। इसमें माटियोटी का मर्डर भी शामिल था, सोशलिस्ट लीडर थे ये और बहुत ज्यादा अपोज करते थे ये मुसोलिनी को और उनकी फासिस्ट पार्टी को। भाई कोई भी अपोज करेगा, जिस फिलॉसफी में यही हो कि वॉयलेंस ठीक है उसको तो हर कोई अपोज करेगा ना, ठीक है। तो ये इनका मर्डर किया गया, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है, इसमें यह सबूत नहीं सामने आया कि मुसोलिनी ने ही किया, लेकिन मुसोलिनी इनसे बहुत चिढ़ते थे और उनको पता था कि ये रोड़ा है। देखिए ये चीज तो हर किसी ने की है, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो माओ ज़ेडोंग हो, ये चीज तो बहुत कॉमन है कि जब भी कोई पार्टी अगर सत्ता में आती है, स्पेशली कम्युनिज्म या फासिज्म में, वो तो फिर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मरवाना शुरू करती है, एक्सेप्ट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें सब कुछ पब्लिक के हाथ में होता है और पॉलिटिकल पार्टीज को ये डर होता है कि भैया अगर हमने ऐसा कुछ किया तो अगले इलेक्शन आ रहे हैं, जनता हमको बाहर उठा के फेंक देगी। लेकिन यहां पे क्या करें, जब उन्होंने पूरी इस कंट्री को एक नेशनल सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो यहां पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, जब आपको पता है कि वन पार्टी रूल है, कम्युनिज्म में वन पार्टी रूल है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सब शांत रहते हैं। चाइना में अभी यही हालत है, ठीक है। तो इस मर्डर के बाद, ये जो मर्डर हुआ था इसमें क्या हुआ कि काफी लोग मुसोलिनी के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत पॉपुलर नेता थे और काफी लोग इनके अगेंस्ट हो गए और हल्का सा एक अनरेस्ट भी हुआ, ठीक है, इनके खिलाफ दिक्कतें हुई। लेकिन भैया बहुत ही ज्यादा कनिंग लीडर थे ये, ऐसे ही नहीं इन्होंने मतलब कि पूरी सत्ता बना ली, बहुत ही स्ट्रेटेजाइज किया इन्होंने और वापस वो सब चीज सप्रेस करने में कामयाब रहे, पूरी तरह से पुलिस स्टेट में बदल दिया, ठीक है। इनके ऊपर अटेम्प्ट्स भी हुए थे, इनको मारने के अटेम्प्ट्स भी हुए थे। इनमें एक बहुत ही फेमस असासिनेशन है एंटियो जेम्बोनी का, एंटियो जेम्बोनी और वॉलेट गिब्सन, इन दोनों ने इनको मारने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है। भैया सफल हो जाते तो आज हिस्ट्री शायद कुछ और होती, हम कह नहीं सकते, है ना, लेकिन अगर का कोई स्थान नहीं है हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो 1925-1927 हालांकि ये पूरा चलता ही रहा, इन्होंने पूरी तरह से हर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को बिल्कुल ही डिसमेंटल कर दिया और पूरा का पूरा पुलिस स्टेट बना दिया कि कुछ भी अगर होता है सीधे मारो। तो ये सारी चीजें थी। अब पूरा का पूरा वन पार्टी स्टेट फाइनली लागू हो गया था और ये भी चाहता था मुसोलिनी कि हिस्ट्री में अपना एक नाम बनाए। और तब मुसोलिनी को ये लगने लगा था कि मैंने ये पूरा का पूरा काम कर दिया और मेरा एक हिस्ट्री में नाम हो गया है। इथियोपिया के इन्वेजन की बात करेंगे। देखिए फॉरेन पॉलिसी जो थी मुसोलिनी की, वो बहुत ही ज्यादा एक तो अपॉर्चुनिस्ट और प्रैक्टिकल इंसान था, बहुत ज्यादा भूखा था जमीन के लिए। हालांकि युद्ध ही जितने भी अगर आप देखें वॉर, तो वो तो जमीन के लिए ही होते हैं, एरियाज के लिए ही होते हैं। इवन वर्ल्ड वॉर टू भी जमीन के लिए ही हुआ था, है ना, पूरे यूरोप को हड़प लो, पूरी दुनिया को हड़प लो, सारी जमीन हमारी है। तो ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है, हर किसी को लैंड चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सारे वॉर हुए हैं और यहीं पर इन्होंने इथियोपिया पे इन्वेजन कर दिया, ठीक है। और 1933 में ही, 1933 में ही आपकी नेजी पार्टी फॉर्म हो गई थी, ठीक है। हिटलर ने भैया नेजी पार्टी बना ली थी 1933 में और इसका गठन पूरी तरह से कर दिया था, बहुत ही चालाकी से सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ली, मतलब अपने खिलाफ कर दिया था, कानूनी अपने साथ कर दिया था, कानूनी बदल दिया था, उसके बाद राइश डैक को आग लगा दी।
तो सब कुछ जला के राख कर दिया, हिटलर डिक्टेटर बन गया। अब 1933 में जब डिक्टेटर बना, इधर मुसोलिनी भैया अपनी बात पे कायम है, पूरा का पूरा इन्वेजन किए जा रहे हैं, अपनी सत्ता चलाए जा रहे हैं। ये इथियोपिया का जो इन्वेजन इन्वेजन है, देखिए बहुत ही ज्यादा, एक तो पुअर कंट्री था उस समय, ठीक है, अफ्रीका में एक देश है, एडिस अबाबा इसकी कैपिटल है, और सबसे ब्रूटल इन्वेजन था ये। मास एग्जीक्यूशन हुए थे, बहुत बुरी तरह लोगों को मारा गया था, और बहुत ही ज्यादा मारा था। एक कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो पूरे के पूरे कस्बे के कस्बे खत्म कर दिए गए थे, ठीक है, निहत्ते लोगों पे मारा था, और बिना बात के मारा था, सिर्फ रोमन एम्पायर को बढ़ाना था अफ्रीका में, ठीक है। मसोलिनी ब्रिटेन से भी बहुत ज्यादा चिढ़ता था, वो बोलता था कि ब्रिटेन बहुत कॉलोनी बढ़ा रहा है, अब हमारी बारी है, तो वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहता था जिससे वो ब्रिटेन को नीचा दिखा सके, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मसोलिनी वर्ल्ड वॉर में आया, ठीक है। तो 1933 में हिटलर आया, हिटलर ने फिर उसके बाद मुसोलिनी को ये सारी चीजें देखी, तो उसको लगा कि हाँ ये जो है ये मेरी तरह ही है, ये भी डिक्टेटर वो भी डिक्टेटर, और दोनों का भैया सलामत रहे दोस्ताना, हमारा दोस्ती कायम होना शुरू हो गई, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने इन्वेड किया था सब कुछ, बॉम्ब्स पे बॉम्ब बरसाए थे, और कुछ भी नहीं इथियोपियंस कर पाए थे, अपनी मौत सिर्फ सब एक दूसरे की मौत देखते रहे थे, और बहुत बुरी हालत हो गई थी, ठीक है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, इवन इनकी कंट्री में भी बहुत इनको क्रिटिसाइज किया गया था, और यह भी बोला गया था कि अब इनको हट जाना चाहिए, लेकिन कोई उस समय कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि डिक्टेटरशिप थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और बाकी 1936 1941 के करीब ये पूरे के पूरे जो एग्जीक्यूशंस थे ये चलते रहे, ठीक है। और हर किसी को उन्होंने, उनके जो जनरल थे ग्रेजियानी, सबको बोला कि उड़ा उड़ा के मारो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था, मतलब जो इथियोपियंस थे, वो काफी रेजिस्ट भी किए, थोड़ा बहुत जो भी रेजिस्ट किए, तो मुसोलिनी ये मानता था कि इसमें जो है ये ऑर्थोडॉक्स चर्च जो ईस्टर्न उस समय काफी उस समय रिवाज था, इनका हाथ है, मारना शुरू करो। बस वजह ढूंढी, कहने का मतलब यही, एक सिंपल सी बात है, वजह ढूंढी और मारा, और अपने आप को बोला कि देखा मैंने तो ये किया है। अभी धीमे धीमे देखिए कि आगे इसका हाल क्या होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1933 में नेजी पावर भैया आई, हिटलर आया पावर में, और सबसे आज तक की नोटोरियस फ्रेंडशिप जो हुई है हिस्ट्री में वो शुरू हो गई। हिटलर काफी एडमायर करता था मसोलिनी को, काफी मानता था मसोलिनी को, बोलता था कि हाँ भैया बंदे में तो है दम, लेकिन मसोलिनी कहीं ना कहीं हिटलर से डरता था और इन्फीरियर भी महसूस करता था। हिटलर को, मसोलिनी को यह भी पता था कि हिटलर एक झूठा इंसान है, एक टाइम पे एहसास हो गया था, लेकिन हिटलर से इन्फ्लुएंस्ड बहुत था। जिस तरह से हिटलर स्पीचेस देता था जर्मनी में, एग्जैक्ट कॉपी करने की, इमिटेट करने की कोशिश करता था मसोलिनी हिटलर को, ठीक है, ऐसा कुछ था, ठीक है। 1937 में हिटलर की पूरी आर्मी सुप्रीम हो गई। देखिए एडोल्फ हिटलर और वर्ल्ड वॉर टू मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वैसे तो स्टडी आईक्यू पे इसका बहुत अच्छा लेक्चर भी है, और राइज ऑफ हिटलर के ऑलरेडी मैंने दो पार्ट किए हैं, ठीक है, थीके? तो उसको आप जरूर रेफर कीजिएगा ताकि और भी एक जो आपकी नॉलेज है वो रिफाइन हो जाए। उसके बाद 1939 में, ठीक है, आप देखिएगा जरूर हिटलर का लेक्चर। फिर 1939 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, ये पैक्ट ऑफ स्टील जो है इसको साइन किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से मिलिट्री अलायंस था जर्मनी और आपके इटली में, और हालांकि जापान ये चाहता था कि जो पूरा का पूरा फोकस हो, क्योंकि हिटलर ने वॉर प्लान्स बताए मसोलिनी को कि देखो हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है, और उस समय मसोलिनी ये चाहता था कि वॉर जो है वो थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाए, लेकिन हिटलर ने ये बोला कि हम सबसे बढ़ती हुई ताकत इंग्लैंड और फ्रांस को कैप्चर कर लेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस उस समय बहुत ही सुप्रीम पावर्स थी, कॉलोनाइज किया हुआ था सबको, इनको कैप्चर करके हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। जापान उधर ये चाहता था कि ये सोवियत यूनियन की तरफ शिफ्ट हो, लेकिन इटली और जर्मनी चाहते थे कि फ्रांस और ब्रिटेन पे ही अभी रहे, उसके बाद देखेंगे। तो हालांकि एट अ टाइम तो वो मतलब माना, इटली हिटलर ने बोला कि ठीक है हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम वॉर को पोस्टपोन कर दें, और यही एग्जैक्ट एडवाइस जर्मनी के काउंसिल्स ने भी दी थी। जो हिटलर के जो साथी थे, जो जनरल्स थे, उन्होंने भी हिटलर को यही बोला था कि वॉर को थोड़ा सा टाल दीजिए, और क्योंकि अभी पूरी तरह से मिलिटराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हिटलर माना नहीं, उसको बहुत जल्दी थी, और 1939 में उसने वॉर छेड़ दिया। उसके रीजन भी थे, देखिए सबसे मेन रीजन जो था ना, सबसे ज्यादा मेन रीजन अगर किसी को आप बोलेंगे वो था ग्रेट डिप्रेशन।
1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसने सब कुछ हिला के रख दिया, क्योंकि जब रेपरेशंस ऑफ वॉर जर्मनी भर रहा था इस डिप्रेशन की वजह से, अमेरिका में था, अमेरिका लोन दे रहा था, ठीक है भैया, जर्मनी के पास तो कोई पैसा नहीं था ना, तो अमेरिका से लोन लिए। अब अमेरिका ने अपने लोन वापस बुला लिए क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन वहां पे आ चुका था। इसका फायदा हिटलर ने उठाया और उसके बाद अपनी सत्ता बनाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या होता है कि हिटलर ने ऑस्ट्रिया पे ऑलरेडी अटैक कर दिया था। वहां पे दिक्कत ये हुई कि उस समय तक तो ये लग रहा था कि चलिए चीजें सुलझ जाएंगी, और म्यूनिच एग्रीमेंट भी उस समय साइन हुआ था 1939 में, जब नेविल चेंबरलेन डर गए थे, हाथ पैर कांप गए, और भैया बोला कि ठीक है, हिटलर के पास गए और बोला ठीक है आप एक काम करिए कि आप चेकोस्लोवाकिया के कुछ पार्ट ले लीजिए, वॉर मत छेड़िएगा। उनका भाई वो समझदार इंसान, उनको पता था कि वॉर क्या क्या ले सकता है, कितनी जिंदगियां ले लेगा। हिटलर एक नंबर का झूठा, उसने चेकोस्लोवाकिया को पहले इन्वेड किया, पोलैंड को इन्वेड किया, नॉर्वे, डेनमार्क, करते करते फ्रांस को हरा दिया। अब अकेले ब्रिटेन खड़ा हुआ था। यहां पे मुसोलिनी कूदे। मुसोलिनी तब तक वॉर में नहीं आए थे इटली, जब उन्होंने वेट किया मुसोलिनी कि मुझे देखना है, ठीक है, क्योंकि डर था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, है ना, तो जो रिट्रीट करेगी फिर आर्मी इटली पे, हम बच नहीं पाएंगे। तो उसने वेट किया, लेकिन जब हिटलर जीतता गया, यूरोप को कंकर करता गया, अकेले इंग्लैंड बचा था, वहां से आ गया मुसोलिनी, एकदम पिक्चर में आ गया, और वहां से उन्होंने फुल फ्लेजेड अपनी लड़ाई चालू कर दी एलाइड पावर के खिलाफ, एलाइड पावर से। और अब ये पता चलने वाला था सबको कि मुसोलिनी जो है बहुत डिक्टेटर बोलता है, अब ये किस तरह का वॉर जनरल है, कैसा लीडर है, अब ये एक्चुअली में लोगों को पता कर चलने वाला था। लेकिन 1935 से लेकर 1939 तक ये जितने भी वॉर हुए, डिक्टेटरशिप हुई और जो इन्वेजन्स हुए ना, उसने इटली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। बहुत ही इतनी प्रॉब्लम, वैसे ही आर्थिक मंदी उस समय छाई हुई थी, और 500 यूएस डॉलर बिलियंस में जो हैं, इतना ज़्यादा नुकसान इटली झेल रहा था। लोगों ने बहुत 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 इस पे रिएक्ट किया और बोला कि वॉर को रोक देना चाहिए और हमको बिल्कुल भी वॉर में जाना नहीं चाहिए। लेकिन मुसोलिनी ज़मीन के चक्कर में गया और हारा भी बाद में, ठीक है, क्योंकि उस समय इटली की कंडीशन गिर रही थी, ठीक है, और बहुत अमीर कंट्री नहीं थी इटली, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या हुआ था कि जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मुसोलिनी चाहता था कि हिटलर वॉर को पोस्टपोन कर दे, लेकिन उसने पोस्टपोन नहीं किया, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया है ऑलरेडी 1 सितंबर 1939 में, ठीक है। अब यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस कूद गए जब इन्वेजन ऑफ पोलैंड हुआ। पोलैंड पे जैसे ही वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने अटैक किया, तुरंत यूके और फ्रांस कूदे उसमें। फ्रांस को हिटलर ने हरा दिया, ठीक है, अकेला यूनाइटेड किंगडम खड़ा था। उस समय विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर चुन के आए थे और विंस्टन चर्चिल ने पूरी कमान संभाली थी, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ समय तक उन्होंने अल्बेनिया पे भी अटैक किया था मुसोलिनी ने, अपनी सिर्फ ऐसे ही शेखी बगारने के लिए। अल्बेनिया की कैपिटल क्या है, कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इटली अल्बेनिया को हरा दिया था 5 दिन में, बहुत ही जल्दी हार गया था, बहुत ज्यादा बड़ा देश नहीं था, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा पावरफुल था, और बहुत शेखी बगारने लगा था मुसोलिनी। उसने सोचा कि अब तो हम जीत जाएंगे। जैसे ही हिटलर ने फ्रांस को हराया, इटली कूदा, ठीक है। 10 जून 1940 में इटली ने वॉर छेड़ दिया ब्रिटेन और फ्रांस पे, ठीक है। लेकिन अब वहां से क्या हुआ था, वॉर तो छेड़ दिया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा अच्छे वॉरियर्स तो थे नहीं इटालियंस। मुसोलिनी ने क्या किया कि ग्रीस पे अटैक कर दिया। अब मुसोलिनी को लगा कि भैया ग्रीक तो बहुत ही कमजोर है, हम आराम से हरा देंगे। अरे भैया वो ग्रीक है यूनानी, भयंकर वॉरियर, 300 नहीं देखी होगी, अच्छा उस समय तो रिलीज ही नहीं होगी हुई होगी। उन्होंने ऐसा भगा भगा के मारा इटालियंस को, मुसोलिनी की सेना डर के मारे भागी, ठीक है। उसके बाद उसने इजिप्ट पे भी इन्वेड किया, इजिप्ट पे भी लड़ते रहे बिना कोई रिजल्ट के। अच्छा खासा उन्होंने रेजिस्ट किया था, हालांकि सपोर्ट भी था ब्रिटेन का, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से रेजिस्ट किया था। अब हिटलर ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था और उसको कहीं ना कहीं पता लग रहा था कि मुसोलिनी एक अच्छा वॉर लीडर तो नहीं है, एक अच्छा जनरल नहीं है किसी भी तरह में, और उसका कॉन्फिडेंस जो था वो कम होता जा रहा था मुसोलिनी पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मुसोलिनी पीछे नहीं हटा। इवन जर्मनी ने ये तक बोला, हिटलर ने बोला कि भैया हम आ रहे हैं तुम्हारी हेल्प करने। मुसोलिनी बोला नहीं मत आओ, मैं अकेले देख लूंगा। भैया ईगो की बात थी ना, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। फाइनली उनको आना ही पड़ा।
और जर्मनी की हेल्प से उन्होंने ग्रीस को हराया और फाइनली भैया विक्टोरियस हुए। ऑपरेशन मारिता हुआ, फिर ऑपरेशन कंपास भी हुआ था जिसने पूरी की पूरी तरह इटालियन आर्मी को लीबिया में वापस भेज दिया था। और बहुत ज़्यादा इससे किरकिरी हुई थी मुसोलिनी की कि ऐसा लोग सोचते थे कि जर्मनी के बिना, हिटलर के बिना तो ये कुछ नहीं कर सकता है, ये सिर्फ एक फेकू इंसान है और कुछ नहीं है, जो कि सच भी था एक तरह से। बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें थी उनको खल भी रही थी। इवन जब ये 1941 में विक्ट्री हुई थी तो जो इटालियंस थे वो जर्मनी ट्रूप्स के साथ सेलिब्रेट करने गए थे कि चलो बहुत अच्छा है हम लोग जीते हैं, लेकिन भर भर के मजाक उड़ाया था जर्मनी ट्रूप्स ने इटालियंस का, तो तुमको कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। ऑपरेशन बारबोसा भी लॉन्च होता है। ऑपरेशन बारबोसा क्या था 1941 में? देखिए, सबसे पहले तो रशिया जो था, जो सोवियत यूनियन था, वो किसके साथ था? हिटलर के साथ। स्टालिन हिटलर के साथ था। स्टालिन का भी रिव्यू अवेलेबल है, उसको देखिएगा, उसमें भी मैंने बातें बताई हैं। स्टालिन हिटलर के साथ था। हिटलर ने बोला था कि मैं तुमको कुछ एरियाज दे दूंगा, परेशान ना हो। लेकिन एकदम से हिटलर बदल गया, झूठा तो था ही, और उसने सोचा कि चलो रशिया पे इन्वेड करते हैं, रशिया पे अटैक करते हैं, और उसने उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बारबोसा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मिस जजमेंट हो गया था, क्योंकि रशिया तो बहुत बड़ा था, दूसरी बात एकदम से मौसम चेंज हुआ जिसकी वजह से जर्मन आर्मी जो थी वहीं पे ही ध्वस्त हो गई। बैटल ऑफ स्टालिनग्राद भी हुई थी उसके बाद, वो खैर अलग वर्ल्ड वॉर टू की कहानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। मुसोलिनी चाहता था कि इस ऑपरेशन में उसको इंक्लूड किया जाए, लेकिन हिटलर ऐसा नहीं चाहता था, ठीक है। हिटलर ने मना किया और फाइनली उस ऑपरेशन में उसको इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि हिटलर को पता चल गया था, सारा कॉन्फिडेंस खो चुका था हिटलर मुसोलिनी के ऊपर कि ये इनकी आर्मी कुछ कर नहीं पाएगी और सारी की सारी चीज़ें मुझे ही देखनी है, ठीक है। ये चीज़ें थी। अब क्या हुआ था कि फ्रांस एंड जर्मनी कह रहा हूँ, यूएसए और ब्रिटेन, ये जो दो थे, ये इनका दिमाग खराब हो गया था, ठीक है। वैसे ही ब्रिटेन पे बहुत ज़बरदस्त अटैक किया था जर्मनी ने, ठीक है। जर्मनी के लुफ्तवाफ डेली जाते थे ब्रिटेन के मिलिट्री बेसिस पे, बमबारी करके वापस आ जाते थे, फिर यही होता था बार बार। तो एक दिन जर्मनी ने ब्रिटेन के सिविल एरिया में लंदन पे बमबारी कर दी। इससे बड़ी ज़्यादा गुस्सा आई विंस्टन चर्चिल को। विंस्टन चर्चिल ने अपनी रॉयल एयरफोर्स को बोला कि जाओ तुम भी वापस बमबारी कर दो। उन्होंने जाके बर्लिन पे बमबारी कर दी ब्रिटेन ने। इसी दौरान क्या हुआ था, हिटलर ने बोला उड़ा दो, तहस नहस कर दो सब कुछ। तो वहां पे सब कुछ तहस नहस करने लगे सिविलियंस एरिया में। इसी बीच ब्रिटेन के मिलिट्री को, जो उनकी एयरफोर्स थी, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल गया, क्योंकि उनको आराम करने का वक्त मिला। और उसके बाद जो रिट्रीट किया, हिटलर की आर्मी को फिर पीछे हटना पड़ा। तो रॉयल एयरफोर्स ने जो उसके बाद भयानक तरीके से पलटवार किया, फाइनली जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। और जर्मनी ने फिर अपना जो हिटलर ने अपना जो पूरा का पूरा नज़रिया था या पूरा का पूरा प्लान जो था, वो रशिया के ऊपर डाइवर्ट कर दिया कि चलो छोड़ो ब्रिटेन को, बाद में देखेंगे, रशिया को पहले देखो, जिसमें मुसोलिनी भी हिस्सेदारी चाहता था। तो ब्रिटेन और उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो बोलते थे उस समय, देखिए यूएसए भी तब तक वॉर में नहीं कूदा था, ठीक है, तब कूदा था जब पर्ल हार्बर में अटैक किया था। और उस समय यूएसए जो था वो आर्म सप्लाई करता था, हथियार बेचता था। इवन विंस्टन चर्चिल ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि किसी तरह अमेरिका वॉर में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ तब जाके वो आया था, क्योंकि अकेला था, इंग्लैंड अकेला लड़ रहा था, ब्रिटेन बिल्कुल उसके साथ नहीं था, ठीक है। और हार भी निश्चित ही थी कि अगर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं होती। और उस समय भैया बहुत ऐतिहासिक स्टेटमेंट भी आया था विंस्टन चर्चिल का रॉयल एयरफोर्स को लेके, क्या आया था कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब जो विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोला कि बहुत हो गया, इटली को तो कम से कम अब हम अपने कंट्रोल में लेते हैं, चाहे जो भी हो जाए, अब हमको चीजें बदलनी है। तो इन्होंने अब इटली पे वॉर की स्ट्रैटेजी शुरू कर दी, ठीक है। और एलाइड पावर ने सिसिली को पूरा का पूरा इन्वेड किया, बॉम्ब गिराए, और फाइनली डिक्टेटरशिप को खत्म भी किया, ठीक है। अब इस बीच क्या हुआ कि विक्टर इमैनुअल III ने पूरी तरह से अरेस्ट करवा दिया मुसोलिनी को, मुसोलिनी को सत्ता से हटवा दिया, बोला कि तुमने जो है सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ है। और पिएट्रो बोडोग्लियो, भैया बहुत ही ज़बरदस्त जनरल थे, वाइसरॉय भी थे ये अफ्रीका में, तो इनको सत्ता दी, ठीक है। अब इन महाशय ने क्या किया, इन महाशय ने हाथ मिला लिया एलाइड पावर से, ठीक है, क्योंकि, और बिल्कुल सही भी था, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी, हालत ख़राब थी, तो इन्होंने बेहतर यही समझी कि मैं जाके एलाइड पावर से हाथ मिला लूं। मुसोलिनी को अरेस्ट कर लिया गया
और ऐसी जगह अरेस्ट किया गया जहां पे कोई भी परिंदा भी पर ना मार सके, कैंपो इंपरेटोर में वहां पे अरेस्ट किया गया, एक माउंटेन थी। लेकिन उसके बाद भी हिटलर को पता नहीं कितना ज्यादा प्यार था मुसोलिनी से, उसने अपनी आर्मी भेजी। और आप विश्वास करेंगे कि जब मुसोलिनी को हिटलर की आर्मी ने वहां से रेस्क्यू किया, छुड़ाया, एक गोली भी फायर नहीं हुई थी। उन्होंने इतनी टैक्टिकली ये काम किया था कि कमाली कर दिया था भैया। हिटलर जनरल तो बहुत जबरदस्त था। और 1943 में फिर उसके बाद आर्मस्टीज भी साइन कर ली पिएट्रो बर्डोग्डोलियो ने एलाइड पावर के साथ। आर्मस्टीज क्या होता है भैया? ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है अपोजिंग साइड्स द्वारा जो कि बोल देता है कि अब युद्ध नहीं होगा कुछ पीरियड के समय तक, मतलब कुछ समय तक, ठीक है। मतलब ये ऑफिशियली युद्ध की स्टॉप नहीं होता है, मतलब वॉर स्टॉप नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए इसको टाल दिया जाता है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में आर्मस्टीज एस्टैब्लिश्ड है अभी भी, इसका मतलब वो वॉर में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये चीज तो बिल्कुल नागवार गुजरी। अब क्या हुआ था कि यहां पे हिटलर ने बोला कि ये तो ऐसा नहीं चलने वाला। हिटलर ने क्या बोला? कोई बात नहीं, जाओ इन्वेड कर दो। हिटलर की इधर एलाइड फोर्सेस ने पिएट्रो बर्डोग्लियो की हेल्प की और वहां पे मतलब शांति स्थापित करने की पूरी तरह कोशिश की। लेकिन यहां पे हिटलर ने क्या किया? इन्वेड करो इटली को। तो हिटलर की आर्मी ने इन्वेड किया इटली को, रोम को, और वो हालत खराब की। इतने मर्डर किए, इतने कत्लेआम किए कि एकदम रूह कांप गई थी सबकी। तो अब इटली में सिविल वॉर छिड़ गई, ठीक है। और सिविल वॉर दो के बीच हो गई, ठीक है, क्योंकि आधा एरिया हिटलर ने ऑक्यूपाई करके रखा था और आधा एरिया जो था वो पिएट्रो बर्डोग्लियो और एलाइड पावर के पास था। तो भैया एक तो किंग्स रिपब्लिक थी, ठीक है, ये साउथ में थे, ये जो पूरा का पूरा एरिया था ये एलाइड पावर के पास था, और एक नॉर्थ थी, ठीक है, ये नेजी के पास था। जबरदस्त भीषण युद्ध होता है और फाइनली जीत एलाइड पावर की होती है। और क्योंकि फिर जर्मनी की हालत बहुत बुरी हो जाती है, बैटल ऑफ स्टालिनग्राद होती है जिसमें हारते हैं ये लोग, पूरी तरह से रेड आर्मी रिट्रीट करती है जबरदस्त और जर्मनी को भगा भगा के मारती है। तो जर्मनी वैसे भी हार के कगार पर पहुंच ही जाता है। मीनवाइल क्या होता है, मुसोलिनी को बहुत डर लगने लगता है कि अब मेरे ज्यादा दिन बचे नहीं है, ठीक है। मुसोलिनी को हालांकि तब भी कुछ, क्योंकि जब हिटलर जो है मुसोलिनी को छुड़ाता है उस कैंप से, तो मुसोलिनी बिल्कुल ही एकदम नर्वस ब्रेकडाउन हुआ उसको ऑलरेडी रहता है, ठीक है। और जब मुसोलिनी उसके बाद प्लेन पकड़ने जा रहा होता है एस्केप प्लान के दौरान, उसी वक्त उसको पकड़ लिया जाता है और गोली मार दी जाती है फाइनली उसकी मिस्ट्रेस के साथ। लेकिन जिस तरह की मौत हुई थी वैसी मौत भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे भैया, क्योंकि इतनी बुरी तरह, देखिए गोली मारने के बाद उनके शव को लाया जाता है, पब्लिक उस पर थूकती है, ठीक है, और लाते मारती है, उनके उनके शव के साथ खिलवाड़ करती है, उल्टा लटका दिया जाता है मुसोलिनी के शव को, और उस पर जूते मारे जाते हैं, अंडे फेंके जाते हैं, वो हर चीज़ की जाती है, और बहुत ही ख़राब सीन होते हैं ये, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन होते हैं, ठीक है। तो हालांकि इसके बाद उनकी बॉडीज़ को फिर एक मतलब जो उनका क्रिया खर्म होता है वह काफ़ी बाकायदा प्रॉपर तरीके से किया जाता है, लेकिन इनिशियली जो गुस्सा होता है इटालियंस का वो ऐसा फटता है कि क्या मिला तुमको इटली को युद्ध में झोंक के और इतने लोगों की जान लेके और इटली को बर्बाद करके, ठीक है। तो फाइनली ये मुसोलिनी का एंड होता है। एक ऐसा इंसान जो लगभग लगभग बेवकूफ़ी था, अगर उसको कहेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, और इटली को युद्ध में ढकेलने वाला, ठीक है, दूसरों की नकल करने वाला, फाइनली उसको वही मिला जो उसने दूसरों के साथ किया, जो ब्रुटैलिटी उसने इथियोपियंस के साथ दिखाई, इटालियंस के साथ दिखाई, बहुत लोगों के मर्डर किए, फाइनली उसको भी यही चीज मिली। कहते हैं ना कर्म से कब तक भागोगे, हर चीजें पलटवार तो करती ही हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है, बेनिटो मुसोलिनी की बायोग्राफी दो पार्ट में थी। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी पसंद आया होगा, जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब अगला जो लेक्चर होगा वो विंस्टन चर्चिल पे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी जो भी लोग इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर टू में, हिटलर का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, बेनिटो मुसोलिनी का ये रहा, स्टालिन का ऑलरेडी है, उसके बाद जो मेन इंसान बचे हुए हैं वो हैं विंस्टन चर्चिल, तो हम उसको भी देखेंगे। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको और बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी ये लेक्चर्स आप ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ स्टालिन का और हिटलर का, ये ज़रूर देखिएगा, इससे काफ़ी कुछ पता चलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और पेपर तैयार होगा, ठीक है आपका। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, माओ ज़ेडोंग पे भी मैंने किया हुआ है, तो वो भी उनका भी वर्ल्ड वॉर टू में काफ़ी आता, वो भी देखिएगा, ठीक है। तो एक विंस्टन चर्चिल बचे हुए हैं, उनका मैं ज़रूर लेके आऊँगा जो अगला लेक्चर होगा दो पार्ट में, उनकी बायोग्राफी देखेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।
शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।